कंसल सिटी थानेसर में बिजली विभाग ने बिल ना भरने की वजह से पूरे दिन सप्लाई रखी बंद, एक हफ्ते की चेतावनी देकर दोबारा दी सप्लाई। अंसल सिटी थानेसर में पिछले कई महीनों से लगातार बिजली बिल समय से न भरने और अब की बार भी बिल की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी बिल को न भरने की वजह से बिजली विभाग ने अंसल सिटी थानेसर की बिजली सप्लाई रोकी। अंसल सिटी में रहने वाले लोगों की रिक्वेस्ट पर वह सिटी को एक हफ्ते की चेतावनी देकर पूरे दिन बिजली बंद रखने के बाद रात को सप्लाई छोड़ी गई। एसडीओ बिजली विभाग अभिषेक ने कहा कि अंसल सिटी का रिकॉर्ड पहले भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर इनको पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन यह बिजली बिल को समय पर नहीं भरा रहे। उन्होंने कहा कि अंसल सिटी का वन लाइन कनेक्शन है, जिसमें अंसल सिटी को पूरी सिटी का बिल भरना होता है, लेकिन अंसल सिटी के प्रशासन द्वारा बिजली बिल समय पर नहीं भरा जा रहा, जिसकी वजह से अब की बार भी ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी बिल नहीं भरा गया, जिसको लेकर उन्होंने उनका कनेक्शन काटा। वहीं लोगों के आश्वासन में अंसल सिटी को चेतावनी देकर दोबारा से एक हफ्ते की चेतावनी देकर दोबारा से सप्लाई चालू की गई है। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते तक भी अंसल सिटी ने बिल नहीं भरा तो उनका परमानेंट कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसका कारण ये था कि अंसल का जो है एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, और सिंगल पॉइंट कनेक्शन में इनका एक सिंगल बिल जनरेट होता है, और अंसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो उनके पास कंज्यूमर्स रह रहे हैं उनकी बिलिंग करना, उनसे कलेक्शन करना और उस बिल को हमारे पास सबमिट करना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। हम एक अंसल सिटी का सिंगल बिल, अंसल सिटी का एक सिंगल बिल जनरेट करते हैं, बट एक्चुअली इनकी ड्यू डेट थी, इस मंथ की ड्यू डेट थी 22nd of August, और पिछले भी कुछ महीनों से इनका पेमेंट हिस्ट्री जो थी वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ा मतलब टाइम डिले होती थी। तो मैंने पहले इन्हें वार्निंग दे रखी थी इस चीज़ की, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ, कि आपकी पेमेंट्स में कुछ इशू आ रही है, तो आप अपना टाइम टू टाइम बिल भरने का कोशिश करें और इस बारी ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें। बट इस बारी भी इनकी पेमेंट नहीं आई और उसकी वजह से हमें सप्लाई काटनी पड़ी दिन के समय। बट अंसल सिटी कोई इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पे आम जन रहते हैं, जनता रहती है, जिससे कि बिजली ना होने से परेशानी होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने शाम के समय सप्लाई रिस्टोर कर दी, ताकि एक बारी अंसल सिटी के जो मैनेजमेंट है उन्हें थोड़ा आइडिया आए कि बिल पेमेंट इज अ सीरियस इशू। जस्ट बिकॉज वहाँ पे पब्लिक रहती थी, इसीलिए हमने सब सप्लाई रिस्टोर कर दी, छोटे बच्चे बुजुर्ग सब लोग रहते हैं और बिजली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी जो हर किसी को चाहिए होती है, इसीलिए हमने इन इन फोर्स सिंपैथी करके एक बारी सप्लाई रिस्टोर करी है इनकी। बट अगर उन्होंने हमसे एक वीक का टाइम मांगा है कि हमें बिल पेमेंट के लिए एक वीक का टाइम चाहिए, और अगर हमने उन्हें मंडे तक का टाइम दिया है 28th of August, अगर इनकी पेमेंट नहीं आती है तो वी विल बी फोर्स्ड टू डू द परमानेंट डिस्कनेक्शन ऑफ अंसल सिटी, और अगर कुछ उसमें जो भी फर्दर प्रोग्रेस होगी, अगर पेमेंट आ जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें फिर से भी सप्लाई उनकी काटनी पड़ सकती है। तो मेरी उनके मैनेजमेंट से दरखास्त है कि वो अपनी पेमेंट एज सून एज पॉसिबल करें और अपनी आगे की जो पेमेंट्स हैं उनको भी जल्द से जल्द और टाइमली बिफोर ड्यू डेट पे किया करें, ताकि ऐसे इशू हमारे अंसल सिटी में रहने वाली आम जनता को ना। एक्चुअली अंसल सिटी का कुछ पार्शियल पोर्शन जो है वो NCLT में भी जा चुका है, अंसल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ आई थिंक कुछ माइनर कुछ इंटरनल इशू भी था, आई डोंट नो इन मच डिटेल अबाउट इट, बट आई नो दिस मच दैट कुछ पोर्शन जो था 32 लाख अमाउंट जो है वो हमने फ्रॉम NCLT क्लेम कर रखी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसके जो कि आई थिंक इन दिसंबर 2022 फिर एक सेकंड फर्म ने अंसल को टेक ओवर किया था, जहाँ तक मेरे को नॉलेज में है, आई मे बी स्लाइटली अप एंड डाउन, बट आई थिंक दिसंबर 22 में उन्होंने अपनी फर्म जो थी उसको टेक ओवर किया था, और उसके बाद जो बिल है स्टिल इट इज हैज नाउ रेज टू 62 लाख इन टोटल,
एंड इज करेंटली द बिगेस्ट डिफॉल्टर ऑफ कुरुक्षेत्र सर्कल। राउंड फिगर इज टोटल इज ऑफ 62 लैक्स ऑफ विच 32 लैक्स इज बीइंग क्लेम्ड बाय एनसीएलटी विच द मैटर इज विद एनसीएलटी। रिमेनिंग 30 लैक्स इज टू बी पेड बाय द न्यू प्रोप्राइटर ऑफ अंसल सिटी। तो मेरा बस यही कहना है कि वो अपना बिल जल्दी से जल्दी भरे ताकि जनता को इसे दिक्कत ना हो। मेरे भी सुनने में आया था कि पानीपत में भी और पानीपत में भी ऐसा कुछ इश्यू है कि वहाँ भी बिल पेंडिंग था, वहाँ भी कनेक्शन कटा है। ये तो देखिए यूएसबीएन की तरफ से बेसिक अगर कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए पेमेंट जो बिल जनरेट हो रहा है वो तो पे करना जरूरी है। मेरे भी नॉलेज में आया है कुछ ऐसा कि पानीपत में भी ऐसा हुआ है, आई डोंट नो इन डिटेल अबाउट इट, बट अगर हाँ अगर वहाँ भी पेमेंट नहीं हुई होगी तो सप्लाई में भी वहाँ भी कट करी है उन्होंने। तो ये एक जनरल प्रक्रिया है, तो ये अंसल मैनेजमेंट को थोड़ा इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और अपनी पेमेंट्स एज सून एज पॉसिबल करनी चाहिए। माई सेल्फ अभिषेक, एस डी ओ पीपली, यू एस बी वी एन कुरुक्षेत्र।